केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दी। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एनपीएस स्कीम में सुधार की मांग की गई थी। कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये मांग की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। ओपीएस एनपीएस के बाद अब यूपीएस आ गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल 1 अप्रैल से यूपीएस लागू हो जाएगा और इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला लिया है। डॉक्टर सोमनाथ कमेटी के सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी और सबके साथ मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। बिहार विधानसभा से पहले जेडीयू अपने संगठन में फेरबदल कर जोर लगा रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू की स्पेशल 23 टीम भी बनाई है। आपको बता दें कि जो आने वाले चुनाव में पार्टी के कोर वोट बैंक को एकजुट करने के साथ ही चुनाव में जीत की रणनीति भी बनाएंगे। आखिर क्या है जेडीयू की चुनावी रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ২০২৫ में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ चुके हैं। तभी तो चुनाव में कोर वोट बैंक को साथ रखने के लिए नीतीश ने स्पेशल 23 का गठन किया है। ये स्पेशल 23 न केवल सामाजिक समीकरण का ख्याल रखेंगे बल्कि चुनाव में जेडीयू के तीर की धार को भी तेज करेंगे। नीतीश की ये स्पेशल 23 क्या है इसे भी समझिए। कोर वोट बैंक की किलेबंदी में जुटे हैं नीतीश। नीतीश की कोर टीम में 23 सदस्य शामिल किए गए। 45% यानी 10 सदस्य ओबीसी और ईबीसी वर्ग से हैं। 5 कुर्मी और 2 कुशवाहा वर्ग के सदस्य शामिल किए गए हैं। जबकि टीम में 3 अल्पसंख्यक को जगह मिली है। स्पेशल 23 में 3 सवर्ण नेता को जगह मिली है तो वहीं 2 दलित नेता भी स्पेशल 23 में शामिल किए गए हैं। अशोक चौधरी और आलोक कुमार सुमन को जगह मिली है। नीतीश के स्पेशल 23 में शामिल सदस्यों को आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी गई है इसे भी जान लीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बने हैं। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 55 दिन बाद ये कदम उठाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की स्पेशल 23 टीम बनी है। छिटकते कोर वोट बैंक को साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा है तो वहीं जेडीयू ने संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने पुराने प्रदेश संगठन को खत्म करते हुए नए संगठन की घोषणा की। 300 सदस्य की जगह मात्र 115 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें 10 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव बनाए गए हैं। 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जो टीम को हम लोग को खड़ा करना है तो उसमें हम लोग ने नई कमेटी के बनाया है, नई कमेटी का घोषणा किया है और नई कमेटी के घोषणा में हम 115 की कमेटी बनाई है जिसमें 10 उपाध्यक्ष हैं, 49 महासचिव हैं और 46 सचिव हैं और 9 जो है हमारे प्रवक्ता हैं और सभी समाज हर वर्ग के लोगों को उसमें भागीदारी दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है। नहीं, सलाहकार समिति भंग की गई है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे, हमको लगता है अध्यक्ष जी को लगता होगा कि जो बहुत सक्रिय नहीं थे, क्रियाशील नहीं थे, तो नए तरीके से गठन किया जाएगा भंग। बिहार में अगले साल चुनाव होना है पर उससे पहले ही जेडीयू किसी भी हाल में मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहती। चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी लगातार अपने कैडर में फेरबदल कर कमेटी बनाकर पूरी ताकत लगाना चाहती है ताकि चुनाव में बंपर जीत दर्ज की जा सके। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अग्रवाल और विनीता मिश्रा।
तेजस्वी यादव ने महंगाई